नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी बैगन पोस्तो। बैगन पोस्तो जो है वो एक बंगाली नेम है जिसे हिंदी में पोस्तो कहा जाता है, खसखस को। तो चलिए हम यहाँ पर बैंगन के साथ खसखस के पेस्ट से किस तरीके से एक रेसिपी बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा, जिससे कि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में बैंगन को थोड़े बड़े साइज़ में यहाँ पर कट कर लिया है। आप अपने अनुसार छोटा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ में यहाँ पर कट कर लिए हैं। करने के बाद मैंने इसे मैरिनेट किया है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर चीनी के साथ मैंने इसको मैरिनेट करने के बाद मैं बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बैंगन को एक बात आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, जब हम बैंगन को फ्राई करेंगे तो लो फ्लेम में बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल नरम और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि ग्रेवी में देने के बाद बिल्कुल ही गल जाएगा। इसलिए बैंगन को हमेशा मीडियम से हाई फ्लेम में ही फ्राई कीजिएगा, जिससे कि ये खस्ता बना रहे और बिल्कुल ना गले, थोड़ा सा कुरकुरापन इसमें रहे। तो हम बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर बैंगन जो है वो लगभग फ्राई हो चुके हैं। हम इसे अब अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे बैंगन को, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने बैंगन को फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैं यहाँ पर कलौंजी ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून, और करीबन 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर खसखस का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है, और डेढ़ चम्मच यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट आप बहुत ज़्यादा, मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा खुदरापन रखा है। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। चलाते समय आपको याद रखना है कि ये जो खसखस का पेस्ट है ये बिल्कुल ना जले, नहीं तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि जो खसखस का पेस्ट है ये जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको अब पकाना है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और टेस्टी एक रेसिपी है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून में यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी। चीनी से जो है ये फ्लेवर जो है बहुत ही टेस्ट इसका डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर चीनी ऐड करते हैं। और मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया। नमक बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी जो है थोड़ा थिक होता है, इसलिए हमको नमक जो है थोड़ा सा कम रखना होता है। वो आप चख के देख लीजिएगा कि नमक ठीक है या नहीं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाने के बाद, जैसे मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर बैंगन जो हमने फ्राई करके अलग से निकाल के रखे थे, उसे हम इसको में ऐड करके जस्ट थोड़ा हल्का हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से हमको इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें करीबन 1 कप पानी जो है ऐड करेंगे। बिल्कुल छोटे कप का 1 कप पानी ऐड कीजिएगा, बड़े कप का नहीं, छोटे कप का 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, 3 मिनट इनफ है, 3 मिनट के लिए हम इसे ढक के एकदम लो फ्लेम में पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, बैगन पोस्तो बिल्कुल रेडी है। आज के लिए बस यही तक। नमस्ते।